कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण बाजार बंद है। आम नागरिकों के लिए नगर निगम ग्वालियर द्वारा चलित बाजार सेवा प्रारंभ की गई है, जिसके माध्यम से अब लोगों को घर घर जाकर उचित मूल्य पर राशन की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसका शुभारंभ कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, पुलिस अधीक्षक नवनीत वसीन, नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन ने चलित बाजार के वाहनों को रवाना कर किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर अनुप कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे सहित नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। याद हो कि देश भर में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन की घोषणा की गई है तथा सभी बाजार बंद हैं और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की जा रही है। इसी के चलते राशन के लिए परेशान हो रहे नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम ग्वालियर द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से चलित बाजार चलाने का निर्णय लिया गया है। यह वाहन गली गली में घूमकर घर घर जाकर लोगों को 130 रुपए में 5 किलो आटा, 60 रुपए में 2 किलो चावल, 100 रुपए में 1 किलो तुअर की दाल, 100 रुपए में 1 लीटर सरसों का तेल, 20 रुपए में 1 किलो नमक की थैली और 90 रुपए में आवश्यक कराएगा। इस सामग्री की एक किट तैयार की गई है जो कि लोगों को 500 रुपए में उपलब्ध कराई जाएगी। शीघ्र ही निगम द्वारा और भी वाहन प्रारंभ किए जाएंगे जो शहर के विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को राशन उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए दाल बिहार के व्यापारियों ने भी जिला प्रशासन व नगर निगम को आश्वासन दिया है कि थोक मूल्य पर प्रशासन को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएंगे। हमने गरीब लोगों के लिए जो लोग ऐप पे ऑर्डर नहीं कर सकते होम डिलीवरी सर्विस शुरू की है। बहुत ही सही दामों पर हम लोग 500 रुपए का एक हमने पैकेट बनाया हुआ है जिसमें आटा, दाल, चावल, दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, तो वो कोई भी व्यक्ति लेके यूज कर सकता है। नहीं, इसमें आटा, दाल है, चावल है, मसाले हैं, नमक है, तेल है, 500 रुपए एक पैकेट का मूल्य। कैसा लगता है, जनता को राहत मिलेगी? एकदम हमारे हिसाब से इसीलिए हमने जनता को राहत के लिए सब जगह घूमेंगी गाड़ियां। अभी हमने कुछ वार्डों से शुरू किया है, धीरे धीरे पूरा शहर कवर करेंगे। कोई दानदाता वगैरह कुछ देते हैं उनके लिए? उसको भी शामिल करेंगे। थैंक यू।